मैंने विद इन 3 मंथ्स अपना चैनल मोनेटाइज करा लिया था। मई में मोनेटाइज हो गया था, मई से लेकर दिसंबर हो चुका है और आज जनवरी चल रहा है, अभी तक मेरा फर्स्ट पेमेंट नहीं आ पाया। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे मैम से मिलाना चाहूंगी जिन्होंने अपने चैनल को सुपर फास्ट मैन की तरह 3 महीने के अंदर चैनल मोनेटाइज कर लिया, बट चैनल मोनेटाइज करने के बाद कुछ ऐसी गलती कर दी कि जिसमें 5-7 महीने बीतने के बावजूद भी अभी तक फर्स्ट पेमेंट नहीं ले पाई। तो एक्चुअली मैं मैम ने क्या गलती की है वो भी क्लियर करूंगी और आप भी वो गलती नहीं कीजिएगा, नहीं वरना सालों तक आप यूट्यूब पे काम करेंगे और आप यूट्यूब से एक भी पेमेंट नहीं ले पाएंगे। लेकिन आने वाले टाइम पे मैम का पेमेंट भी आएगा, और लेकिन वो गलती क्या की है पहले वो मैम बताएंगी। तो मैम, आपने क्या गलती की जो आपकी पेमेंट नहीं आई, जो कि आपने बताया कि 3 महीने में आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, तो इसके बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए। सबसे पहले आपके ऑडियंस को मेरा नमस्कार है और सभी को नए साल की शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मेरे चैनल का नाम टेक प्रीति सिंह है और मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तब मेरी कैटेगरी रिलेशनशिप वीडियोस बनाती थी, मैं रिलेशनशिप पर थी मेरी जो चैनल कैटेगरी थी। तो मैंने विद इन 3 मंथ्स अपना चैनल मोनेटाइज करा लिया था। मोनेटाइज होने के बाद जब मेरे व्यूज डाउन हो गए तो कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेट हो गई। डिमोटिवेट होने के बाद मैंने इसको टैग में कन्वर्ट कर दिया, मतलब अपने चैनल की कैटेगरी टैग में ले आई। फिर मैंने अपने चैनल पर टैग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरा चैनल मई में मोनेटाइज हो गया था। मई से लेकर दिसंबर हो चुका है और आज जनवरी चल रहा है, अभी तक मेरा फर्स्ट पेमेंट नहीं आ पाया, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि जब मैंने रिलेशनशिप में वीडियोस बनाई थी तो वो सभी वीडियो वायरल हो गई थी। एक वीडियो पे 1 लाख प्लस व्यूज हैं और कुछ 35,000, 30,000, 20,000 सभी वीडियो इस तरह से वायरल थी। लेकिन जब से टैग में आई हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी ऑडियंस पे भी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि जो ऑडियंस मेरी रिलेशनशिप वीडियोस देखना चाहती थी वो टैग की वीडियो नहीं देखना चाहती। तो सबसे बड़ी गलती मेरी यही रही कि मैंने चैनल की कैटेगरी चेंज कर दी, इसीलिए मेरा अभी तक फर्स्ट पेमेंट नहीं। फ्रेंड्स, आपने सुना मैम का आंसर कि इन्होंने क्या कहा, जब चैनल बनाया था तो वो कोई और कैटेगरी थी और अभी ये वीडियो अपलोड कर रही है टैग कैटेगरी में। तो मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आपका चैनल कैटेगरी रिलेशनशिप वाला था तो आप टैग में क्यों आई, ऐसा आपको क्या लगा कि हमको टैग में वीडियो बनाना चाहिए, इसके पीछे का कोई रीजन? ऐसा कोई खास रीजन तो नहीं था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं लोगों का सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं सिर्फ एक वीडियो बनाती हूँ, लोग उसको पसंद करते हैं और उस पर व्यूज आ रहे हैं, और मेरा शुरू से एक रहा था एम कि मुझे लोगों का सपोर्ट करना है। मैं देखती थी लोग, काफ़ी लोग, बहुत सारे बड़े क्रिएटर्स हैं, उनकी लाइव में जाके घंटों अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि हमारा चैनल चेक कर दीजिए, या सुपर चैट करते हैं, सुपर थैंक्स करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका चैनल ग्रो नहीं हो पाता, उनको वो चीज़ें अच्छे से कंफर्म नहीं हो पाती जो उनके चैनल पे मिस्टेक बनी हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि जब मेरी लाइव में लोग आएँ या फिर मेरे चैनल पे आएँ तो मैं उनको वो सारी बारीकियाँ बताऊँ, वो छोटी से छोटी चीज़ बताऊँ जिसको लेकर उनका चैनल अभी तक ग्रो नहीं हो पा रहा। तो मेरा सबसे मेन एम यही था कि मैं लोगों का सपोर्ट कर पाऊँ, इसीलिए मैंने अपनी कैटेगरी टैग को चूज़ किया। फ्रेंड्स, आपने सुना, पहले इन्होंने अपनी कैटेगरी कुछ और रखी थी, फिर बाद में इनको लगा कि मैं लोगों की हेल्प करूँ, जो कि मेरे से भी कुछ रिलेट कर रहा है, क्योंकि मेरी भी सोच यही थी जब मैं यूट्यूब पे आई थी तो मैंने सोचा था कि लेडीजें तो बहुत हैं लेकिन हेल्प करने वाला कोई नहीं है, और हेल्प करने के लिए अगर कैटेगरी कोई है तो वो टैग की है, बाकी किसी कैटेगरी वालों को किसी से कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे जो भाड़ में जाए किसी से कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैंने टैग में चैनल ओपन किया था, क्योंकि टैग में लेडीजें नहीं हैं या ना के बराबर हैं, एक दो गिनी चुनी होंगी जो उंगलियों पर आप गिन लोगे। तो मैम ने भी टेक में कैटेगरी में अपना चैनल क्रिएट किया, जो इनकी लाइफ की मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इनका चैनल मोनेटाइज हुआ था रिलेशनशिप वाले पे और उसके बाद इन्होंने टेक में किया, तो अभी इनका व्यूज नहीं आ रहा है, मतलब अराउंड 200, 400, 500 या 1000 व्यूज आता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है जो कि मैम ने की है। मैम, अगेंस्ट मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मतलब आपने टेक कैटेगरी में अपने चैनल को कन्वर्ट किया तो एज ए आप किसी को देख के आई होंगी, तो ऐसा कोई भी क्रिएटर है जिसको आपको देख के मतलब लगा कि मुझे भी टेक कैटेगरी में आना चाहिए ताकि लोगों की हेल्प कर सकूं? जी, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब मैं रिलेशनशिप में काम करती थी तब मैं टैग के जो यूट्यूबर्स हैं उनको नहीं देखती थी, क्योंकि मुझे उनसे कोई मतलब ही नहीं था। मैं सिर्फ अपनी वीडियो बनाती थी, अपने वीडियो पे फोकस करती थी कि मुझे अपना आज का वीडियो तैयार करना है, चाहे शॉर्ट करूँ चाहे लॉन्ग, आज का वीडियो मुझे कम्प्लीट करना है। लेकिन जब मैं थोड़े टाइम बाद जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तो कुछ चीज़ें मैंने देखी टैग में आकर कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं, और व्यूज़ पे क्यों इफेक्ट पड़ता है।
तब कुछ क्रिएटर्स ऐसे थे जिनसे मैं इंस्पायर हुई, जैसे कि नित्या के सपोर्ट थे, आपसे भी इंस्पायर हुई हूँ, नित्या के सपोर्ट हैं, और कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनसे इंस्पायर होकर मैं टेक कैटेगरी में आई कि मैं भी अपना 100% बेस्ट ही दूंगी इस कैटेगरी में आकर। फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना कि मैम मतलब बताई, जब चैनल पे कैटेगरी और थी उसके बाद जब चेंज किया तो नित्या सर से इंस्पायर हुई, अंशु सर से हुई, और कहीं ना कहीं तो मतलब मेरे से इंस्पायर हुई कि एक लेडीज जो कि हाउसवाइफ होके ये काम कर सकती हैं तो ये करें, ये बेस्ट काम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं या किसी को प्रॉब्लम नहीं, आपने कैटेगरी चेंज की। बट मैम आपको कैटेगरी चेंज ही करनी थी तो एक नए सिरे से एक नया चैनल आपको ओपन करना चाहिए था, जो आपने सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि आपका जो चैनल की कैटेगरी थी वो कोई और कैटेगरी थी और आपने उसको ट्रांसफ़र किसी और कैटेगरी में किया, क्योंकि आपके ऑडियंस किसी और कैटेगरी के थे, उनको इस कैटेगरी से कोई भी लेना देना नहीं था। इसी गलती की वजह से आज आपका पेमेंट अभी तक नहीं आया, जो यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट है, जो कि आप देख रहे हो कि ऑलरेडी हम लोगों के पेमेंट हर मंथ आ रही है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग इसी कैटेगरी से स्टार्ट किए और इसी कैटेगरी पर काम कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन चलिए, आने वाले टाइम पर आपको बेस्ट ऑफ लक है, ऐसे ही काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एंड अगेंस्ट मैम, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जब आपने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो क्या आपका फैमिली या जो भी रिलेशन वाले आस पड़ोस के लोग हैं, क्योंकि एक लेडीज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चैनल को उठाना, यूट्यूब पे काम करना, तो क्या आपके साथ ऐसी कोई सीन थी, कोई प्रॉब्लम थी जो आपको फेस करनी पड़ी? तो जी मैम, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मेरा बेबी सिर्फ 3 मंथ का था और मैं ज़्यादा वीडियो सेटअप तैयार नहीं कर सकती थी और फेस कैम वीडियो भी नहीं बनाना पसंद कर रही थी उस टाइम। तो जब मैंने रिलेशनशिप वीडियो बनाई तो सिर्फ उसमें अपना वॉइस ओवर किया था, और 3 महीने जब मैंने अपना चैनल मोनेटाइज करा लिया तब तक मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तब मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताया कि ऐसे ऐसे मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो मेरी फैमिली वालों ने मुझे सपोर्ट किया कि चलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना काम करिए और जो जैसा करना चाहती हूँ वैसे करिएगा हमारी तरफ। तो मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड को बताया था कि मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ, इसके अलावा मैंने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मोटिवेट नहीं करते हैं, आपको डिमोटिवेट कर देंगे, कहेंगे कि अरे क्या रखा है यूट्यूब पे, आप इससे अच्छा टीचिंग करो या कुछ और जॉब करो। तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे डिमोटिवेट करे, तो इसीलिए मैंने किसी को बताना बेटर नहीं समझा। फ्रेंड्स, आपने सुना, जो कि इनकी स्टोरी मेरी स्टोरी से कुछ ना कुछ मैच कर रही, क्योंकि मैंने भी शुरू में किसी को नहीं बताया। और आप भी ये गलती मत करना, अगर आप बता रहे हो यूट्यूब चैनल बना रहे हो तो ढोल वोल लेके मजीरा वजीरा लेके बजा के बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, क्योंकि शुरू में व्यूज नहीं आएंगे और वही जो अगल बगल अड़ोस पड़ोस रिलेशन वाले हैं वही आपकी बैंड बजाएंगे, जब व्यूज नहीं आएगा तो वही डिमोटिवेट करेंगे कि ये देखो यूट्यूबर बनने चले थे इनसे कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए ये वाली गलती आपको कभी नहीं करनी है। चैनल बना रहे हो तो बना लो, जब ग्रो कर लो दिखाओ प्रूफ प्रमाण की, देखो मैंने ये कर लिया, जो कि ये मैम ने किया और 3 महीने में चैनल अपना मोटाइज भी करवा लिया। लेकिन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली गलती थी वो यही गलती थी कि कैटेगरी चेंज किया, ये गलती आपको नहीं करनी है। एंड अगेंस्ट मैम, आपको 2023 में बेस्ट ऑफ लक है कि आपका जल्दी ही चैनल ग्रो हो और आप भी यूट्यूब से अर्निंग करें। एंड मैम को आप लोग सपोर्ट कीजिए, अभी मैम का न्यू चैनल है, अभी इनकी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहूँगी कि ऐसी गलती ना करें, वरना चैनल मोटाइज करने के बावजूद भी 1 फूटी कौड़ी अर्निंग नहीं होगी। और आपको पता है कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे के पीछे लोग महीनों नहीं सालों पड़े रहते हैं फिर भी कम्प्लीट नहीं होता। मैम का कम्प्लीट होने के बावजूद भी अभी तक पेमेंट नहीं ले पाई, तो वो गलती सिर्फ छोटी सी थी लेकिन आज इनको बहुत भारी पड़ रही है। बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। आई होप आपको मैम की बात अच्छी लगी होगी। मैम अपने कैटेगरी को चेंज करने के बावजूद भी हार नहीं मानी है, काम कर रही हैं, तो आपको भी काम करना है, काम करके दिखाना है। इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए सपोर्ट कीजिए ताकि ये भी अपनी फर्स्ट पेमेंट ले पाएँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेजबल लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।